अजो, ये तो धपा धप लात मार रहे हैं। मम्मी, बीपी ठीक है अब? ठीक है, एकदम ठीक है। गलती से ही सही हुआ तो मेरी वजह से। I'm really sorry किंजल। I'm also sorry। पापा ने जो कुछ भी कहा उसके लिए। Actually हम सब इतना डर गए थे और पापा भी। इस हादसे के लिए आप जिम्मेदार हैं। It's okay। I understand। दूध लाई थी तुम्हारे लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेल बजा देना या तो मुझे या अनुपमा को बुला लेना। आंटी आप चिंता मत कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे घर में हम लोग बेल नहीं बजाते हैं, हम लोग सब मम्मी मम्मी चिल्ला के मम्मी को बुला लेते हैं। आराम से संभल के चल, पी ले। टेक केयर। हाँ पापी, बस हो गया। बस मम्मी मैं उठा हुआ हूँ, आप सो जाइए, कोई जरूरत होगी मैं आपको उठा दूंगा। थैंक यू मम्मी। ले जा। कान्हा जी ध्यान रखो। थैंक्स भाई। अनु सब ठीक है ना? किंजल बेबी सो गई। थैंक गॉड। और तुम तो ठीक हो ना? मैं कैसे ठीक हो सकती? थैंक गॉड कोई बड़ा मिसहैप नहीं हुआ। वैसे किंजल को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों? प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन किंजल इज हेवली प्रेग्नेंट, शी नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। और ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में तो उसे आना ही नहीं चाहिए। वाई टेक अ रिस्क? ठीक है आ गई, फैमिली गेट टुगेदर था, गैदरिंग थी, सब लोग साथ में थे, लेकिन जहाँ पे नाच गाना हो रहा है, डांस हो रहा है, वहाँ तो अवॉइड कर सकती थी ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही पापी, गलती मेरी है कि मैंने उसे कहा चलने के लिए और वो बेचारी चली आई मेरे साथ। और यहाँ आने के बाद एक प्रेग्नेंट औरत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है अनुपमा, तुम तो जानती हो हम दोनों गुजर चुके हैं। ये आखिरी के जो 3 महीने होते हैं बहुत क्रूशल होते हैं। आई रियली थिंक कि किंजल को अपने घर जाने देना चाहिए, उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। आई थिंक भाभी सही कह रही है। Don't get me wrong, Anu. लेकिन भगवान ना करे अगर किंजल के साथ कुछ हो जाता या उसका उसके बेबी के साथ कुछ हो जाता तो तुम तो अपने को जिंदगी भर माफी नहीं कर पाती। ऊपर से ये वनराज, उसे सबने बताया कि सब कुछ ठीक है, there are no complications, किंजल बेबी सब सही है, लेकिन उसने तब भी ये तमाशा किया। सोचो अगर किंजल को कुछ हो जाता तो ऐसा इंसान। बाप बापूजी बच्चों से तुम जुड़ी हुई हो, मैं भी जुड़ा हुआ हूं, तुम उनसे प्यार करती हो, मैं भी करता हूं, उनकी रिस्पेक्ट करती हो, मैं भी करता हूं, तुम्हारे मायके वाले हैं समझ सकता हूं, लेकिन ये वनराज शाह कौन है? Who is he? He's just an ex-husband। तुम्हारी मासी का लड़का नहीं है अनु कि वो बार बार मुंह उठा के यहां आए और यहां आके तमाशा करे। आज जो हुआ वो एक हादसा था, वो गलती किसी से भी हो सकती थी, तुमसे मुझसे किंजल से हो सकती थी, उस वनराज से खुद भी हो सकती थी, लेकिन बेसिक इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस, समझदारी, अकल और वनराज शाह ये सब एक शहर में ही नहीं रहते लगता है, इनका आपस में कोई संबंध है ही नहीं। एंड दिस मैन वनराज शाह जो इसने आज यहां आके किया ना, दैट इज अनफ्रीकिंग एक्सेप्टेबल। आई डिडंट लाइक इट।
वेलकम 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 बाबूजी। हाय वनराज। वेलकम मैन, थैंक्स फॉर कमिंग। सो नाइस टू सी यू। बाहर क्यों खड़ी हो? अपने बाप के मिडिल क्लास घर में आने में शर्म आ रही है? भी वो बच्ची है। क्या कहा था मैंने? कहा था ना उस घर में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे तो पार्टी करनी थी। उस घर में जाके वहां के डाइनिंग टेबल देखने थे, ड्रेसिंग टेबल देखना था, कर्टेंस देखने थे। देख लिया अपनी जिद का नतीजा? और वो तेरी मां, वो कहती है कि मेरे बच्चे मेरे घर में आ जा सकते हैं। अरे लेके जा रहे हो तो कम से कम ध्यान तो रखो। इसीलिए मैं मना कर रहा था। लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? जो भी हो, उसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है पापा। अब तू अपने पापा को बताएगी कि क्या सही और क्या गलत है? नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि सच क्या है, और सच्ची मम्मी की कोई गलती नहीं थी। शट अप पापा, प्लीज अब बिना बात के मुझ पे चिल्लाइए मत। अनुज सही कह रहा है अनुपमा, गृह प्रवेश के वक्त मैं और मेरे गेस्ट गलत थे। माना मैंने, तुम्हारे एक्स हस्बैंड से माफी मांगी, सॉरी बोला, लेकिन अब उसका रिएक्शन, अनुज मैं अंकुश उसके कुछ नहीं लगते, लेकिन तुम तो उसके बच्चों की माँ हो, फिर भी उसने ऐसा कहा। कितनी सारी बातें सुनाई तुम्हें। मुझे अंकुश को इतना बुरा लग रहा था तो अनुज को कैसा लग रहा होगा? सोचो, तुम ऑलरेडी डरी हुई थी, गिल्ट से कांप रही थी, उसे फर्क पड़ा नहीं पड़ा? एटलीस्ट किंजल के बारे में सोचना चाहिए था कि उस बेचारी बच्ची पर क्या असर हो रहा है, पर नहीं। आई थिंक वनराज को तमाशा करने की आदत है। अनफॉर्चुनेटली वनराज तुम्हारी दूसरी फैमिली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और मैं तुम्हारी दूसरी फैमिली का हमेशा वेलकम करूंगी, दिल से करूंगी। लेकिन जब वो लोग आएंगे तो वनराज भी आएगा, और मुझे डर लगा रहेगा कि अब क्या तमाशा होगा, क्या करेगा वो अब। किंजल हमारी अपनी है, पर जो आज हुआ, जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम किंजल को उसके घर वापस छोड़ आएं।